हाय दोस्तों, होप सब लोग ठीक हो। आज तो बहुत दिन हो गया मैं अपना घर का व्लॉग जो भी कुकिंग करी वो दिखाकर, क्योंकि मैं बहुत ही बिजी थी। बिजी मतलब बाहर जाना आना वैसा होता था, लाइक नवंबर बीच से लेकर दिसंबर बीच तक तो कुछ शूट करना होता ही नहीं। बाहर जाते तो फिर आना, फिर उसके बाद शूट करना होता ही नहीं, टायर हो जाते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ स्मोक्ड चिकन, वो भी फ्राइंग पैन में बना रही हूँ मैं, तो वो भी दिखाती हूँ मैं। और कुबूस और अमूस भी बना रही हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। घर में 1 टेबल स्पून गार्लिक और 1 टेबल स्पून जिंजर, 1 टेबल स्पून दही, 1 टेबल स्पून गार्लिक और जिंजर चिकन में ज़्यादा डाला है क्योंकि उसका फ्लेवर हमें बहुत ही पसंद है। बनाने के बाद जो फ्लेवर है वो बहुत ही पसंद है, इसलिए मैंने ज़्यादा डाला है। अगर आप लोगों को कम डालना है तो डाल सकते हो कम, तो उसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं है। बाकी को थोड़ा और सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से डालना, अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो ये चिकन 2 घंटा फ्रिज में रख देना है और उसके बाद बना सकते हो। कुबूस या पिट्टा ब्रेड के लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है और 1 कप आटा जो कि व्हीट पाउडर है वो लिया है, और उसको मैंने सॉल्ट डालकर और जैसे हम ईस्ट पानी में, गर्म पानी में डालकर शक्कर सब डालकर मैंने मिला के रखा था पहले से, तो वो भी मिक्स करके लास्ट में ऑयल डालकर 2 घंटे तक रखना है। तो यूजुअली मैं ये ओटीजी में बनाती हूँ तो बहुत ही अच्छा टेस्ट लगता है, मगर ये बार मैंने फ्राई पैन में बना लिया था, जल्दी जल्दी करना तो फ्राई पैन में बना लिया। मैंने 1 कप चना बॉईल करके रखा है और वाइट तिल मैंने शाम को पानी में डालकर रखा है तो वो सॉफ्ट हो चुका है। तो ये चना और तिल और 2 गार्लिक डालकर ग्राइंड करेंगे। जब ये वाइट चना बॉईल करते उसका पानी फेंकना नहीं, अगर ग्राइंड नहीं हो तो थोड़ा उसमें पानी डालना है। अभी ये ऑलिव ऑयल में मिक्स करके रखना है। हमें उसमें हमेशा ऑलिव ऑयल ही डालना है, वो ही एक स्पेशल टेस्ट रहता है उसमें, दूसरा कुछ ऑयल डालेगा तो उतना वो फीलिंग नहीं रहता है। तो मैंने इसमें ऑयल डाला है, ज़्यादा भी डाल सकते हो, उतना टेस्टी रहता है। तो कुबूस भी सेम वैसे ही है जैसे चपाती बनाते हैं वैसे रोल करके मैंने जल्दी जल्दी में वो भी बना लिया था, क्योंकि मुझे चिकन भी बनाना है तो उसके लिए मैंने अमूस और कुबूस फर्स्ट बना के रखा, क्योंकि चिकन जल्दी बन जाता है, ये स्मोकी चिकन जो है जल्दी बन जाता है। उसमें जैसे कि मैंने फ्राइंग पैन में थोड़ा ही ऑयल डाला है और पूरा हाई फ्लेम में रखना है, तो आप नोट करो ये पूरा हाई फ्लेम में फ्राई करके निकालना है और जल्दी फ्लिप करना है, लाइक 10 सेकेंड के बाद ये फ्लिप करते रहना ही है, नहीं तो पूरा जल जाता है। और ये जल्दी बन जाता है और अंदर से भी बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा टेस्ट लेता है। तो इसी तरह उसके पास ही रुकना है, किधर भी जाना ही नहीं, तो जल्दी जल्दी फ्लिप करते रहना ही है। ऑयल बहुत ही कम ही चाहिए इसको, ज़्यादा ऑयल नहीं चाहिए और हाई फ्लेम, हमेशा हाई फ्लेम में ही बनाना है ये। तो जैसे मैंने बनाया है तो ऑलरेडी बन चुका है, ये जल्दी बन गया कुबूस, इसलिए मैंने जल्दी कुबूस और अमूस बना के रखा था, क्योंकि नहीं तो ये ठंडा हो जाएगा।
तो मैंने ये कुबूस या पिता ब्रेड जो बोलते हैं उसके ऊपर ही मैंने चिकन डाल दिया, क्योंकि इसका जो मसाला रहता है कुबूस में जो भी वो क्या बोलते हैं लाइक पूरा मसाला कुबूस में हो जाता है, तो वो बहुत ही टेस्टी रहता है खाने को। तो इसके लिए मैंने कुबूस डालकर उसके ऊपर ही चिकन डाल दिया था। तो इसके साथ मैंने सलाद भी बना लिया था, क्योंकि कुबूस और स्मोक्ड चिकन अमूस सलाद ये सब बहुत ही टेस्टी रहता है, तो मैंने वो भी बना लिया। जस्ट इसमें कुछ भी नहीं है, कुकुम्बर टोमेटो और लुटूस और ऑलिव और क्या डाला, थोड़ा पेपर सॉल्ट और लेमन स्क्वीज किया है। तो मैंने प्लेट में पूरा अमूस ये स्प्रेड किया और उसके ऊपर मैंने ऑलिव ऑयल वापस डाल दिया था, जैसे कि मैंने बोला ऑलिव ऑयल डाले तो और ज़्यादा टेस्ट लेता है इसमें, तो मैंने ऑलिव ऑयल और डाल दिया। तो ऑलमोस्ट मेरा डिनर अभी रेडी हो चुका है। तो मैंने 5-6 दिन पहले मैंने पिकल भी बना के रखा था कुकुम्बर और कैरेट का, दूसरा वेजिटेबल्स नहीं था, कुकुम्बर और कैरेट था, तो मैंने वो ऐसे ही डाल के पहले ही बार बना रही ये जो ऑरेंज और दिखने में भी अच्छा है, तो वो बना के रखा था। ऐसे फूड के साथ ये खाने को बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। और इसके साथ मैंने लाइम और मिंट ड्रिंक भी बना लिया। तो कभी कभी ऐसे डिनर भी बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप लोग भी ट्राई करना। ये स्मोक्ड चिकन बहुत ही इजी है और जल्दी बन जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है उसके लिए। तो चिकन मैंने ज़्यादा बनाया नहीं, थोड़ा ही बनाया है, क्योंकि बैलेंस रखना, बैलेंस हमेशा बैलेंस रहता है, तो मैंने इस बार मैंने कम ही बना लिया। अगर बैलेंस रहती तो मैं नेक्स्ट डे उसका सैंडविच बना लेती, वो तो दूसरा ही बात है। तो अभी तो लंच एक साथ होता ही नहीं, क्योंकि जल्दी भी सुबह जाकर शाम को आता है, और इसके लिए हमेशा डिनर साथ में ही होता है हमारा सबका।
आज का व्लॉग होप आप सबको पसंद आया होगा। तो आप लोग भी ट्राई करके देखना, ये कुबूस समोसा और स्मोक्ड चिकन बहुत ही इजी है और कभी कभी ऐसे डिनर भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं और नई वीडियो के साथ आऊँगी, तब तक के लिए बाय।